देखो कल जी उत्ते कतलो गारत हुई है दो नौजवान सिखां दी पिशावर दे विच, वो एक बड़ी दुखदाई घटना सी और उस घटना की असी मजम्मत भी की है प्रेस विच भी और साडा फर्ज है का भी असी अज एक डेलीगेशन जिहड़ा है दिल्ली गुरद्वारा कमेटी के मैंबर साहबान का सारे पार्टियां दे और श्रोमणी अकाली दल दिल्ली दे इन्हां ने आके अज जिहड़े इस वक्त दे हैड हैगे चार्ज अफेयर अफताब हुसैन साहब उन्होंने असी मिले एक मेमोरेंडम और अपना प्रोटेस्ट जरा नोट हैगा वो भी दिता है और मंग की हैगी बई उन्होंने नौजवानों की जोड़े कतलों गारत हुई है उन्होंने कातलों का पता लगाया जाए सख्त तो सख्त सजा दी जाए ये प्रबंध किए जा जी घटना दोबारी ना वापरी जाए उत्थे और दूसरा जी है माली सहायता भी उन्होंने परिवारों को जो जरूरत हो जरूर दी जाए ताकि ही अर्निंग मैंबर सन अपने परिवार के और असी आस करते हैं भी जिते हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम इतना कुछ कर रही है सिख बरादरी वास्ते गुरुद्वार वास्ते और इस तरह गुरुद्वारे खुले रखने की उन्होंने कोशिश की है गुरुद्वार संभालने की गल की है असी आस करते हैं भाई सिख आवाम का भी हुकूमत जी ध्यान रखेगी ये जी घटना दोबारा ना वापरे इसका पूरा एहतियात और इंतजाम करेंगे। मांग की है उसको पार्टी अपने पटल पर वहाँ पर रखेगी। देखिए ऐसा है जी कि जो हाई कमिश्नर साहब ने अपने अल्फाज वरते हैं और उन्हां तो सानू पूरी संतुष्टि है। उन्होंने कहा कि साड़ी सरकार उन्हां दहशतगर्दां नू जिन्हां ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए घटना घेटी है असी उन्होंने हर हाल च पकड़ांगे। साड़ी पुलिस उन्होंने मगर है साड़ियाँ जितनी इंटैलीजेंस है वो उन्होंने पकड़ने वास्ते तत्पर है और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये आर्डर किए हैं कि इन्हों पकड़ना है और जब तक इन्हों बनती सजा नहीं दी जाएगी तद तक असी आराम नाल नहीं बैठांगे। एक पाकिस्तान जो नवी वजारत जी है होंद के आई है इस वजारत तो बाद मनोरिटीज जो टारगेट किया जाना कि जो दुर्भाग्य नहीं देखो गल सुनो उ हुकूमत नवी आवे पुरानी आवे मनोरिटीज वास्ते सिख कौम वास्ते उन्होंने जोड़े चीज़ बनी है वह बनी हुई है उस फर्क नहीं है। यह नहीं है कि नवी हुकूमत आई इस तरह होया इस तरह की गल नहीं है। उ डेलीगेशन लेके जाओगे तुम पाकिस्तान या बाकी पार्टियां किस तरीके अप्रोच करोगे? देखो जी पाकिस्तान बाकी पार्टियां ने की अप्रोच करना है वत्त श्रोमणी कमेटी को करना उन्होंने कर लेंगे जो चलना है तो अभी चले जावे उन्होंने जो सहायता देनी होगी वो भी दे आवेंगे। क्या भारत सरकार से भी कोई मांग की आप लोगों ने? अब भारत सरकार से क्या मांग करेंगे वो तो यही है ऑलरेडी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने उनको अप्रोच किया हुआ है तो हम अगर हमें वो टाइम देंगे तो हम मिल भी लेंगे। भारत सरकार अपनी जो ड्यूटी है वो निभा रही है तसल्ली हमें पूरी तसल्ली पहला तो असी मंग रखी सारे दिल्ली सिख गुरद्वारा कमेटी के मैंबर साहबान इतने अज पहुंचे ने और अंदर जाके असी उन्होंने बेनती की है कि भाई लगातार सिखां ते जिहड़े हमले हो रहे कभी ननकाना साहब गुरद्वारा साहब से हमला हो रहा है कभी होर न्यूज़ सानू रोज़ एक ना एक न्यूज़ पढ़ने मिलती पई है। उन्होंने इस गल नूं मन्निया हाई कमिश्नर साहब ने कि भाई ये टारगेटेड किलिंग हैगी है और सानू इस गल नूं महसूस हो रहा है कि यह टारगेट की हिटिंग है। जिसले सरकार ये गल मान लवे कि यह टारगेट की हिटिंग है तो मैं लगता है कि इस किलिंग के उत्ते जरूर कार्रवाई होनी चाहिए है। देशों विदेशों के विच सारे सिख भरा जिहड़े साडे ने और गुरु नानक नाम लेवा ने वो इस वेले सारे पाकिस्तान की सरकार वल वेख रहे हैं कि इस पर की एक्शन लेंदे ने और पिछले वाली भी जिवें लगातार ननकाना साहब पर अटैक होया होर कई थावां पर अटैक हो रहा तो ये पाकिस्तान सरकार का ये जिम्मेवारी बढ़ती है कि वह जी उ मिनोरिटीज़ ने उन्होंने सुरक्षा वास्ते सख्त इंतजाम करन और उन्होंने सिक्योरिटी बना और जोड़े हूँ साढ़े परिवार उत्थे रह रहे हैं उन्होंने बारे सानू इस गल तसली देन कि हूँ कोई होर वारदात नहीं होएगी। कोई डेलीगेशन भी जाएगा जी? हाँ हमने साढ़े परमजीत सिंह सरना साहब हरिंदर सिंह सरना साहब ने प्रोग्राम बना रहे हैं नैक्सट वीक अगर जे सू पाकिस्तान सरकार ने अलाउ किया तो एक डेलीगेशन जाएगा जरूर एस जी पी सी मिलकर जाएगा। असी तो चाहवांगे कि सारे कट्ठे चलीए बाकी जिहड़ा साडे नाल चलना चाहेगा जियां नूं सरदार मनजीत सिंह जी के साहब सरदार परमजीत सिंह सरना होर जिहड़े भी अकाली दल नाल जुड़ना चाहन जी आयां नूं।
हसीन वादियों के बीच एक शांत और सुंदर जिंदगी, एक ऐसी जगह जहां JLPL का वास्तविक सार है। सनार हिल्स बाय JLPL ग्रुप ऑफर्स लग्जरी इंडिपेंडेंट विलास। ओनली द हिल्स फुलफिल। कॉल 9817703444।